क्या मुंबई इंडियंस को बिना रोहित शर्मा के इमेजिन कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें क्लेम किया जा रहा है कि आने वाले समय में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ छोड़ देंगे। इस समय जिस तरह का माहौल पूरा बना हुआ है टीम के अंदर, वो माहौल रोहित शर्मा को बिल्कुल रास आ नहीं रहा है। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की कप्तानी अभी तक करी है और जिस तरह के डिसीजन अभी तक लिए हैं, उसका खामियाजा जो टीम को अभी तक उठाना पड़ा है, उस कारण से रोहित शर्मा बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वाकई में माहौल की बात तो हम क्या ही करें। अब देखिए, जब से ये कप्तानी वाला फियास्को शुरू हुआ है, तभी से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा 2025 के पहले पहले जो मेगा ऑक्शन होगा, उस मेगा ऑक्शन में कहीं ना कहीं ये मुंबई के साथ छोड़ देंगे। जितने प्रैक्टिकल मुंबई की टीम मैनेजमेंट या ओनर्स इस समय बन रहे हैं, उसे एक बात तो क्लियर है कि उनको इस बात से कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं हो। सबसे पहले हुआ दरअसल यूं है कि कई सारे न्यूज पोर्टल्स में इस बात को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें यह कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो हार्दिक पांड्या से बिल्कुल खुश नहीं। हार्दिक पांड्या के ऊपर जिस समय जो प्रेशर है, उसमें जो भी सलाह मशवरा हार्दिक पांड्या कर रहे हैं और जो भी राय हिटमैन की तरफ से जा रही है, उसके ऊपर भी कुछ काम किया नहीं जा रहा है। मतलब ठीक है, कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। और इसीलिए इस समय टीम में माहौल जो है काफी ज्यादा बुरा बन गया है। सनराइजर्स हैदराबाद के बाद जो माहौल पूरा दिखा था हमको वहां पर स्टेडियम में, उसके बाद पूरे डगआउट जो था खाली था, अकेले पांड्या वहां पर बैठे हुए थे। इसके बाद अंबाती रायडू के साथ में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि उनको रायडू भी समझाते हुए दिख रहे थे। तो ये जो इसमें पूरी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, इन सबके बीच में कहा यह जा रहा है कि रोहित शर्मा ने तय कर लिया है कि भैया अब वो इस फ्रेंचाइजी के साथ छोड़ देंगे। अमूमन ये देखा गया था कि भैया ट्रांजिशन जो होता है वो वाकई में आसान नहीं होता, लेकिन हमने भारतीय क्रिकेट में जिस तरह से ट्रांजिशन देखा, जब धोनी को कप्तान बनाया गया या धोनी के बाद कोहली को कप्तान बनाया गया, ये कुछ ट्रांजिशन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा आसान थे और हमको ऐसा लगने लगा था कि यार कप्तानी को पास ऑन करना शायद इतना बड़ा खेल होता नहीं जितना कि वर्ल्ड क्रिकेट में बना दिया जाता है। बट अब जब मुंबई इंडियंस में हमने यही चीज देखी, तब समझ में आता है कि भाई यहां पर दिक्कत तो है। हालांकि मुंबई इंडियंस इसके ठीक पहले एक और ट्रांजिशन ऐसा ही देख चुकी है जब कोई ऐसी बड़ी बात हुई नहीं थी। रिकी पॉन्टिंग को बीच सीजन में कप्तानी से हटाया गया था, बल्कि वो खुद ही हट गए थे और रोहित शर्मा को कप्तानी की बागडोर सौंपी गई थी। उस समय पर जिस तरीके से इस पूरा सिचुएशन को हैंडल किया था एमआई ने, वो लोगों को बिल्कुल भी खटका नहीं था, बल्कि वहां पर खिलाड़ियों ने सामने आकर बात कही थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पहली बात तो रोहित शर्मा की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया नहीं कप्तानी को लेकर। टीम मैनेजमेंट की तरफ से बस बता दिया गया कि भैया अब आपका कप्तान जो है हार्दिक पांड्या होने वाला है। ऐसे में पब्लिक इस बात को कहीं से कहीं तक भी प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है कि भैया जिस खिलाड़ी ने आपको 5 ट्रॉफी जिताई है, इतने लंबे समय तक आपको आईपीएल पर राज करना सिखाया है, वो खिलाड़ी अब आपके लिए कप्तान नहीं है। इन सब चीजों के बीच में जो रिपोर्ट्स जिनका हम बात कर रहे हैं, उन्हीं में ये भी क्लेम किया गया कि अगले वाले जो भी मेगा ऑक्शन होगा, उसमें कोर टीम जो सिलेक्ट करी जाएगी, उसमें रोहित शर्मा नहीं चाहते हैं कि उनको सिलेक्ट किया जाए। कोर टीम में करीब 4 लोग होते हैं, 4 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हो, अनटिल अनलेस कल तक कोई नियम बदल जाए आईपीएल का, तो 4 खिलाड़ियों को लेकर आप रिटेन कर सकते हो और अपनी कोर टीम को उनके इर्द गिर्द आप बुन सकते हो। फिलहाल की जो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा नहीं चाहते कि भैया उनको किसी भी तरीके से ये टीम मैनेजमेंट रिटेन करे। अब कल जो मैच हुआ था उसके बाद में, परसों जो मैच हुआ था उसके बाद में कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार रोहित शर्मा को तो अब फ्रेंचाइजी बदल देनी चाहिए भाई, या तो उनको सीएसके में चले जाना चाहिए या फिर उनको दिल्ली में चले जाना चाहिए, और जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं वो इज्जत भी उनको मिलेगी। लेकिन मुंबई के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? अगर रोहित चले भी गए तो एक खिलाड़ी के रूप में ठीक है चलेगा, पर मैं आपको बता दूं कि जब एक खिलाड़ी जाता है ना, तब वो अपने साथ एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी लेकर जाता है। मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो शायद मुंबई इंडियंस के जो ओनर हैं या जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इस मुगालते में जी रहे हैं कि ये फैन फॉलोइंग पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस की है। देखिए, मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस की है, शायद ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग है, बट रोहित शर्मा कप्तान है इस कारण से भी है। वीरेंद्र सहवाग ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी 2015 में। दरअसल मुंबई ने खिताब जीता था, तब वो शुरुआत के 4 मैच लगातार हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाकर वो खिताब जीता था। और 2014 में वो अपने लगातार 6 मैच हारे थे, लेकिन उसके बाद बावजूद भी वो ऐसी वापसी करके आए कि वो प्लेऑफ तक खेल गए।
वीरेंद्र सहवाग ने ये एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि उस समय मुंबई इंडियंस ने बहुत बेहतरीन वापसी करी थी, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो रोहित शर्मा की मुंबई थी, ये हार्दिक पांड्या की मुंबई है। और कप्तान से खेल पर कितना बड़ा असर पड़ता है ये शायद गंभीर को भी इन इस यहां पर मुंबई में जो भी कुछ चल रहा है ना, इस फियास्को को देखकर पता चली जाएगा। एक खिलाड़ी के तौर पर आपके क्या दायित्व होते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, एक कप्तान के रूप में जब आप आते हैं तब आपकी वही दायित्व वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कई गुना बढ़ जाती है। और इस समय पर हार्दिक पांड्या उस चीज के लिए तो फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे हैं। हार्दिक पांड्या की भले आप खुद की परफॉर्मेंस की बात कर लें वो भी सही नहीं है, कप्तानी के रूप में मैदान पर वो उतने ज्यादा इंपैक्टफुल हो नहीं पा रहे हैं। जिस मैच में उनको शायद बॉलिंग करनी चाहिए थी सबसे ऊपर जाकर, तीसरे मैच में राजस्थान के अगेंस्ट, वहां पर उन्होंने वो कप्तानी का वो बॉलिंग ही नहीं करी। तो इससे कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर टीम मैनेजमेंट का थोड़ा सा डगमगा रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स तो काफी कुछ क्लेम कर रही है, रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है कि इस समय जो ये बड़ा ब्रेक मुंबई टीम को मिला है, इनका अगला मैच 7 तारीख को होना है, और 7 तारीख के मैच वाले टाइम पर ये चीज बोल दी जाएगी कि भैया रोहित शर्मा जो है दोबारा कप्तान बना दिए गए। क्योंकि देखिए पब्लिक का यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पहला जो मैच हुआ है अभी इनका वानखेड़े में, उस मैच के पहले रोहित शर्मा के पोस्टर्स को हटवा दिया गया, उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने किसी को कुछ नहीं बोला, बल्कि मैदान पर जब प्लेयर्स बू कर रहे थे तब रोहित शर्मा प्लेयर्स के सामने दर्शकों को चुप कराते हुए दिखाई दिए। तो एक प्लेयर के रूप में रोहित शर्मा के साथ में मुंबई में क्या होना है इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कप्तान के रूप में इस समय जिस प्रेशर के अंडर में हार्दिक पांड्या है वो वाकई में बहुत बड़ा ट्रेमेंडस है। ऐसे में जो रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि भाई रोहित शर्मा जो है अगले साल ऑक्शन के पहले दूसरी टीम में चले जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो सकती है कि भैया ये झूठ निकले, वरना तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोर टीम की बात करो तो हार्दिक पांड्या को तो इन्होंने कप्तान मान ही लिया है, बुमराह को ये लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, तो फिर आप बताइए ना रोहित शर्मा को क्या लोग पकड़ेंगे। क्योंकि इसके अलावा भी इनके पास में कई सारे ऐसे नए टैलेंट हैं जिनको कि रिटेन करना चाहेंगे, भाई रिटेन करेंगे तभी तो कम पैसों में मिलेगा खिलाड़ी। और जितनी प्रैक्टिकलिटी के साथ मार्क बाउचर ने बोला था कि रोहित शर्मा जो है अब कप्तानी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही प्रैक्टिकलिटी दिखाकर ये भी कर सकते हैं कि भाई रोहित शर्मा को अब हम अपने साथ नहीं रखना चाहते। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप और मैं एक फैन के तौर पर जितने इमोशनल होते हैं ये लोग उतने ही ज्यादा नॉन इमोशनल होते हैं। हमारी तरह ये लोग इमोशनल फूल्स नहीं होते, तभी तो ये लोग इतने हजारों करोड़ की कंपनी चला रहे होते हैं टीम के नाम पर। यहां पर जो सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है उसमें फिलहाल जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आ रहा है वो बस यही है कि रोहित शर्मा समय रहते अगर इस टीम से निकल जाएंगे तो शायद वो एक बड़ी फैन फॉलोइंग को और बना सकते हैं, वरना यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बस यहाँ पर एक दूसरे को ही मार काटने का सीन चल रहा है। सूर्य कुमार यादव की हालांकि वापसी होने वाली है, 5 तारीख को टीम से जुड़ जाएंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या की इस मुंबई इंडियंस के हालात कितने बदलते हैं ये एक देखने वाली चीज होगी। और सबसे बड़ी बात सूर्य कुमार यादव जब टीम में वापस आएंगे तब हटाया निकाला किसको जाएगा वो भी देखने वाली बात। आप मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।